हिंदुस्तान को आपको उनके विविध रंगों को देखना है तो आप दिल्ली के प्रगति मैदान आइए, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रगति मेला का आयोजन है और इस बार खास इस मायने में है क्योंकि लोकल फॉर वोकल से लेकर ग्लोबल का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता या कहिए उनके नेतृत्व में पूरा। हमारे साथ CMD है प्रदीप सिंह खरोला साहब। सर, क्या थीम है इस बार प्रगति मेला का और किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है सर, कितने लोग आ रहे हैं और क्या क्या सर व्यवस्था है इस बार? आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका हमको दिया, अवसर हमको दिया। जैसा आप कह रहे थे कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, कोविड के बाद इतने बड़े प्रमाण पे ये पहली बार हो रहा है और ये मेला 14 नवंबर को प्रारंभ हुआ था और आज रविवार है और इस मेले का पहला रविवार है। और हमेशा की तरह हम 5 दिन बाद इस मेले को जो है, पहले 5 दिन बिजनेस पार्टनर्स के लिए रहता है, उसके बाद में हम आम जनता के लिए खोल देते हैं। तो कल इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया था और कल का अगर हम देखें, अगर अप्रॉक्सीमेटली 500,000 लोग हमारे इस मेले में आए और आज संख्या उससे भी ज़्यादा है। और हमने कल भी लोगों से निवेदन किया था कि लोग सभी गेट नंबर 4 और गेट नंबर 10 से प्रवेश करें। इस बार हमारे मेले में सभी राज्य सरकारें, सरकारी मंत्रालय और सरकारी एजेंसीज और प्राइवेट पार्टी सभी मिलके इस मेले में भाग ले रहे हैं और लगभग 2,500 से ज़्यादा इसमें स्टॉल बने हैं। इस बार थीम जो है एक विशेष थीम है और आप जानते ही हैं, थीम है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। अर्थात कि जो हमारा देशी उत्पाद है उसको हम ज़्यादा प्रोत्साहित करें और इतना प्रोत्साहित करें कि वो एक विश्व स्तर पे दूसरे देशों के उत्पाद के साथ कॉम्पीट कर पाए। तो इस थीम से सभी स्टॉल की रचना की गई है। और जैसा मैंने कहा है कि अब आने वाले दिनों में दर्शकों की संख्या क्रमेण बढ़ती जाएगी और अंतिम दिन जो हमारा होगा 27 तारीख को, उस दिन बहुत ज़्यादा संख्या में दर्शकों के आने की हमको संभावना लगती है। सर, यूनियन टेरिटरी के तौर पर लद्दाख को शामिल किया गया और इस बार उसका भी प्रतिनिधित्व हम लोग देख रहे थे, उसको लेकर क्या रिस्पॉन्सेस है और किस तरीके का तैयारी है उसको लेकर? सर, देखिए, पहली बात यह है कि लद्दाख पहली बार हमारे मेले में भाग ले रहा है और लद्दाख ही नहीं है, चंडीगढ़ हैं और सभी राज्य सरकार हैं और सभी राज्य सरकारों के स्टॉल में जो उस राज्य के जो विभिन्न उत्पाद हैं, जो उनकी शिल्प कलाएं हैं और अलग अलग जो कलाएं हैं, उन सभी को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो इससे यह एक मैं कहूँगा कि ये मात्र एक व्यापार मेला ही नहीं है, सभी राज्य अपनी जो उनकी शक्ति है, जो आर्थिक शक्ति है, उसको भी वो प्रदर्शित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो उनके हस्तशिल्पी हैं उनको भी लाके वो यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो इसका मैं कह सकता हूँ कि एक मल्टीफेरियस इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है और इससे जो हमारे जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। एक आखिरी सवाल है सर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, विदेश मंत्री भी कह रहे हैं, एक बड़ा नुकसान हुआ है, तो क्या उसका भी असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस मेले पर है कि कुछ और यूरोपियन कंट्री या कुछ और देश आते और व्यापार की साझेदारी और बढ़ती इस तरीके का, क्योंकि पहले चूंकि 41वां है ये? अब आप देख रहे हैं कि इस वर्ष भी हमारे साथ 11 बाहर के देश भाग ले रहे हैं और उनके स्टॉल पे अगर रिस्पॉन्स देखा जाए तो काफ़ी दर्शक उनके स्टॉल पे जा रहे हैं। तो कोविड के बाद में मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में एग्जिबिटर्स को आना और उतनी ही बड़ी संख्या में दर्शकों को आना, ये मैं यही कहूँगा कि इस बार ये मेला बहुत ही एक सफलतापूर्व इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और दर्शक भी जैसे कल इतनी बड़ी संख्या में थे, काफ़ी अनुशासित थे और काफ़ी अच्छे तरह से उन्होंने इस मेले का आनंद लिया।
शुक्रिया सर, बात करें कुछ 24 के साथ। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मेले में अगर भारत की विविधता देखना हो, उनके असल रंगों को देखना है, तो आप दिल्ली के प्रगति मैदान के इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आएं और यूरोप से लेकर हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के संस्कृति का, उसके ललीज व्यंजनों का भी आप लुत्फ उठाएं। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, News24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।